चूल्हे की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, लोगों किसी का चूल्हा बदल दिता जाता है, ऑपरेशन कर दिता जाता, लखा रुपये थोड़ा पता लग जाता। कोई है इदा का भी छोटे को ट्रीटमेंट कई बार थोड़ा दिखा देने भी यार अगला ऑपरेशन तो भी बच रहे पैसे भी बच रहे। साडा इलाज जी 100% बिना मेडिसिन तो आ, बिना किसी मालिश तो आ। असी एडजस्टमेंट करते हैं, अगर किसी के गोडे ढूई दे विच सर्वाइकल दे विच दिक्कत हैगी आ डर जाते हैं ना, वो गल जिच नहीं पा देख देखो पट्टा जहा पा बेचारे तुरना है ना, वो कि प्रॉब्लम आ भी ठीक होना जो डॉक्टर डरा दे भी तो भाई सारी उम्र ही पाना पेगा, खड़ा नहीं छुटता। बैरिंग देखा होगा, ठीक है, जो बैरिंग आप बिना लुब्रीकेंट तो चलावे बिना ग्रीस तेल तो चलावे वो की गल होएगी, थोड़ी देर बाद की होएगा गर्म होकर वो टुट जाएगा। उ सेम अपने गोडिया के सवेरे उठे तो इन्हों फोन एड आ रही थी, जो असी वो एड देखी तो फिर मैं सरदार जी ने कहा, मैं कहा चलो आप होर भी जगह पर बहुत दिखाया आप इतने भी दिखा के देख लीए। जो असी इतने आए तो फिर सरदार जी को बहुत आराम मिले, कोई दवाई नहीं, कोई टीका नहीं, कोई गोली, कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं, बस इन्होंने हाथ नाल ही मल के इन्हों ठीक कर दिता। दोस्तों तुम जुड़े हो साडे चैनल, मैं बलतेज गल। सो अचक जी भज दौड़ की जिंदगी आ, सो इंसान इन्ना घिरया होया कि उसनों पता ही नहीं लगे भी कि बीमारियां ने हर एक घर घेर लिया लगभग। स कई बीमारियां यह जी जिन्हों का आप प्रोपर इलाज नहीं करा सकते, जो मेडिसन लैने तो थोड़े टाइम इलाज होंगे। सो असी अज पहुँचे सी डेंग रोड, जिथों के एक साढ़े ना डॉक्टर साहब गलबात करे, जिमें किसी सर्वाइकल आ, कमर दर्द आ, मोटिया च दर्द आ, जो कोई होर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जो कि बिना मेडिसन तो ठीक करते उन्होंने असं थोड़ी गलबात करना। सत श्रीकाल डॉक्टर साहब। सत श्रीकाल जी डॉक्टर साहब, सूँ पता भी अजक जीमारियां जिमें सर्वाइकल ला लो, गोड्या दर्द, मोढ़िया दर्द, अद्धा सिर दर्द, अजिंह बीमारियां जिन्हों का कोई प्रोपर आप इलाज नहीं कर पाते। आप कई बार मेडिकल तो ला लो या होस्पिटल तो ला लो पेन किलर ला लें, जो प्रोपर इलाज नहीं, कुछ टाइम लिए तो अपन आराम मिलता पर फिर उ फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो यह कोई प्रोपर इलाज है भी अपन जरा मेडिसन तो खड़ा छुट जाए। पहली गल तो यही है जी, सर्वाइकल माइग्रेन, जोड़ां दर्द, रीढ़ की हड्डी का, गोड्या दर्द जोड़ा हैगा, ये कोई बीमारी नहीं हैगी। दिक्कत हैगी अपने शरीर का जोड़ा, जा तो सट वज गई किसी तरह की, जो पुरानी सट हैगी जागती है, जा फिर की गल हो जाती है कई बार अपने शरीर के कमी होंगी किसी चीज़ की, घाट होंगी, यही चीज़ा करके दिक्कत आती है। इस चीज़ का इलाज किसी भी डॉक्टरी लाइन के, अगर कोई भी ये गल कहता भी मेडिकल के नाल ये ठीक कर दाँगा तो बिल्कुल गलत आ। इस चीज़ का इलाज बिना दवाई तो संभव है, अगर दवाई लवेंगे तो जे बाई दावे मैं सवेर की डोज लै ली, बाई दावे मैं प्रॉब्लम हैगी तो सवेर की डोज लै ली, उस दोपहर तक मैं ठीक रहाँगा, जिमें ही वो नशे की तोड़ टुटेगी उमें प्रॉब्लम आ जाएगी। जे रात की आप गल करिए तो फिर राति भी यही दिक्कत रहनी है। तो इस चीज़ का इलाज किसी भी दवाई नहीं हैगा जी, इस चीज़ में आप जी एडजस्ट करांगे जिहड़ी प्रॉब्लम आंदे ठीक करांगे तो ही इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। एक डॉक्टर साहब जिहड़ा इंजैक्शन है ना 2,250 का भी लग रहा है लाउंदे डॉक्टर, वो पेन एक बार आरामदायक होंगे, कोई कहना 2 साल ही 5 साल ही, मतलब कि नुकसान लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए जी? ये गल जिमें मैं पहला दस्या है, इस चीज़ का इलाज किसी भी दवाई इंजैक्शन तेल दे विच नहीं हैगा, वो नुकसान करता क्योंकि वो एक ऐसा धीमा जहर आ जिहड़ा हौली हौली करके अपने जिहड़े हड्डियाँ उन्होंने कमजोर करके गल दूगा। इस करके ये चीज़ा गोलियां टीके तो आपां जे आप बिना इस चीज़ तो किसी कोई बंदा इलाज करता तो आपां कंसल्ट करनी चाहिए, ना कि जिहड़ा गोलियां ते टीकियां नाल इलाज करता। तुसी जिहड़ा इलाज करदे हो ये जो तुसी मेडिसिन वगैरह नहीं देंदे जां इंजैक्शन वगैरह तो लाने हो जां कोई बिना ये तो इलाज करदे हो? साडा इलाज जी 100% बिना मेडिसिन तो आ, बिना किसी मालिश तो आ। असी एडजस्टमेंट करते हैं, अगर किसी के गोडे ढूई दे विच सर्वाइकल दे विच दिक्कत हैगी आ तो असी उस चीज़ में जिहड़े उसके पिछे प्रॉब्लम आ जिहड़ा दर्द की दर्द की जड़ उस चीज़ में असी खत्म करते हैं, तो जिस दे नाल आपां गोलियां दे टीके की नौबत नहीं आती। एक डॉक्टर साहब जिहड़ा MRI एक्सरे आ वो जो तुसी देखते हो देख के करते हो जो सानू कोई एक्सपीरियंस आ भी यार वैसे ही दस दिन भी इन्नी की दिक्कत आ भाई? ये गल आ जी कि वैसे तो हर 2 महीने बाद बंदे का जो MRI एक्सरे चेंज होता रहता, ठीक है, तो इन कंडीशन अगर कोई बाई दा भी MRI एक्सरे नहीं लैके आता तो कोई चक्कर नहीं है। वाहिगुरु जी तो जिहड़े साडे उस्ताद आ
जिन्हें सानू ये टीच किया जिस जिहड़ा बंदा इत्थे सानू लै के आया जां जिहड़ी साडी स्टडी आ उहदे अकॉर्डिंग सानू इन्ना कोई एक्सपीरियंस आया कि असी बिना एम आर आई एक्सरे तो भी दस सकने भी दिक्कत की आ। अगर बाई द इन केस कई बार की हुंदा है कि किसी परसन दे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुंदी आ ठीक है उस कंडीशन दे विच एम आर आई एक्सरे करवाना भी पैंदा है पर ए आ जे कई बंदे हुंदे आ मेरे कह बिना भी जां डाक्टर की सलाह तो बिना भी एम आर आई एक्सरे करवा लेंदे आ पर मैं उन्होंने यही गल कहांगा जे अगर बाई द वे तुसीं एम आर आई एक्सरे करवाना तो डाक्टर नाल कंसल्ट करके करवाओ किस चीज़ का करवाना है किवें करवाना है ठीक है। तो कई बंदे जिहड़े एवें करा लेंदे आ वो फिर आपदे जिहड़ा पैसा वो ही बर्बाद करदे आ जी। एक डॉक्टर साहब जो सर्वाइकल आ खास करके लेडीज़ नूं ज़्यादा आ इहदे मतलब कारण की है किन्नी दिक्कत है कि बड़ी तुहाडे कोल मान लो पेशेंट आउंदे ठीक कर दोगे है ना की दिक्कत आ भी बहुत लोग डर जाते हैं ना वो गल जिहे च नहीं पाउंदे इक देखो पट्टा जिहा पाउंदे आ बेचारे तुरन है ना उहदे की किड्डी क प्रॉब्लम आ भी ठीक होना ज डॉक्टर डराउंदे भी तां भाई सारी उमर आही पाउणा पऊगा खड़ा नहीं छुटदा। पहली गल तां जी इह तुहाडी हर एक समाज दे विच जिहड़ी गलत धारणा फैली होई आ भी सर्वाइकल जिहड़ा हैगा उह लेडीज़ नहीं हुंदा सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं हुंदी सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी के पहले सत्त मणकियां का नाम ठीक है तो डॉक्टर ने जो मेडिकल लाइन वाले जिहड़े अजकल सियाने बैठे आ उन्होंने इस चीज़ में एक बीमारी का नाम दे दिता ठीक है। जदों भी पहले सत्त मणकियां दे विच कोई प्रॉब्लम आएगी तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ ही आएगी जिहड़ी डॉक्टरी लाइन जिन्हों सर्वाइकल कह दिता तो जिहड़ा गल दे विच आपां पटा पा लैने आ उहदा कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हैगा। तो दूजी तुसीं गोड्यां दी जिहड़ी प्रॉब्लम आ उहदा मैनूं क्वेश्चन कीता मेन गल इह आ जी गोडे जिहड़ी हैगी आ जिहड़े जिवें तुहानूं पहलां मैं रीढ़ दी हड्डी बारे दस्सिया ठीक है तुसीं बैरिंग देखिया होगा ठीक है जदों बैरिंग नूं आपां बिना लुब्रीकेंट तो चलावांगे बिना ग्रीस तेल तो चलावांगे उह की गल होएगी थोड़ी देर बाद की होएगा गर्म हो के उह टुट जाएगा उही सेम अपने गोडियां दे विच प्रॉब्लम जदों अपनी नस पिछों ब्लॉक होगी रीढ़ की हड्डी दे विचों क्योंकि उही सर्कल जिहड़ा हैगा वो अपने शरीर दे विच सारे च जाना गोडियां च जाना गिट्टे च भी जाना उन्नी ठीक है जी। अगर जे बाई दा आवे अपने शरीर दे विच पिछों नस दबी गई आ तो वह की गल होएगी अपने गोडे का जिहड़ा विच खून जांदा उहनूं भी ब्लॉक कर देगी वो की होएगा थोड़ी देर थोड़ा टाइम तो आपां नूं प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी फिर हौली हौली की होएगा गोडे दे विच क्रक शुरू होने लग गई आवाज़ करन लग जाएंगे तो लास्ट दे विच की होएगा गैप आ जाएगा डॉक्टर तुहानूं इत्थों तक कह देणगे जी तुहाडे गोडे च ग्रीस खत्म हो गया जे गल कह देणगे गैप आ गया तुहाडे गोडे बदले जाएंगे। पर इन केस अगर जे कोई प्रॉब्लम ये किसी नूं आ जाती आ तो उहदा उहदा जिहड़ा अगर ऑपरेशन करवाउंदा ऑपरेशन भी सक्सैसफुल नहीं होएगा क्योंकि दिक्कत उहदे ढूई दे विच आ। मेरे कोल की हुंदा कई वारी अजे मरीज आ जांदे आ कि सर असी गोडे दा ऑपरेशन करवा लिया पर हुण साडी ढूई विच दिक्कत आ गई आ पर वह आवेगी क्योंकि दिक्कत तां मेन ढूई दे विच आ ना अगर खून का सर्कल जिहड़ा पिछों ढूई च बनदा वह जिन्ना चिर नहीं चलेगा तो गोडे च दा आपां कोई गल आ भी धुएं च या धूड़े च लठ मारन वाली गल आ ठीक है उहदे तुक्का किसी का पिल गया ठीक है जे तुक्का पिल भी गया तुक्का लग भी गया तो थोड़ी देर जिहड़ा उस चीज़ का असर रहेगा फिर बाद फिर प्रॉब्लम आउणी शुरू हो जाएगी। इस करके जिहड़ा प्रोपर इहदा सल्यूशन है ट्रीटमेंट है वह कराओ ना कि जिन्ने भी धागा तवीत दवाइया के पिछे टीकों के पिछे भजो। एक डॉक्टर साहब मतलब एक एज तो टप के 50 तो ला लो या 60 तो चूल्हे की प्रॉब्लम बहुत आ रही है तो लोगों को किसी का चूल्हा बदल दिता जाता ऑपरेशन कर दिता जाता लखा रुपये थोड़ा पता लग जाता कोई है इदा का भी छोटे को ट्रीटमेंट कई बार थोड़ा दिखा दें भी यार अगला ऑपरेशन तो भी बच रहे पैसे भी बच रहे जी। गल कि जिम्मे मैं थोड़ा दसिया डॉक्टर पहली गल तो कोई गरंटी नहीं लगता ठीक है अगर इनकेस अगर किसी को ऑपरेशन ठीक ना हो तो उस चीज़ की गरंटी नहीं ठीक होने की भी गरंटी नहीं है। गल ऐ आ कि साडे कोल इस चीज़ का सल्यूशन हैगा इन केस अगर साडे कोल फर्क नहीं पैंदा तो बंदा होर किसी कोल इलाज तां करवा सकदा है ना इन केस अगर ऑपरेशन करवा लैंदा ठीक है पर वह फिर क्योंकि साडे वर्गियां दे भी हथ फिर हथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि दिक्कत उन्हें डॉक्टर ने जिहड़े हैगे उहदे चीराफाड़ी करके उहदा जिहड़ा पहला ही बेड़ा गर्क किया हुंदा ऑपरेशन तो अगर बिना तुहाडी जिंदगी चल सकती है तो चलाओ ऑपरेशन इस चीज़ का सल्यूशन नहीं हैगा क्योंकि अगर बाई का वे ऑपरेशन गलत हो गया तो तुहाडी आने वाली जिहड़ी जिंदगी वह दुश्वार हो जाएगी पहला तो भी तुहाडा जिहड़ी जिंदगी आ वह पहला तो भी कहने बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सो साडे नाल इक होर पेशेंट जुड़े आ
लगभग कहिंदे 30-35 साल पहले कबड्डी खेडदे साडे सट लग गई सी हुण इत्थों कहिंदे असीं ट्रीटमेंट करा रहे हां किन्ना कु टाइम हो गया तुहाडे सट वज्जी नूं सट वज्जी हो गए घट तो घट 35-40 साल हो गए जी अच्छा हुण जाके मैनूं इत्थे पता लग्या डिंग रोड गुरद्वारे सामने हस्पताल लै गया इत्थे कल ही अजे आया परसों आया सीगा आ दूजी बार आया मैनूं फर्क बहुत ज़्यादा हैगा बाद असीं सवेरे उठे तो इन्हां दी फोन दे विच ऐड आ रही सीगी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਦੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ BS ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿੰਗ ਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚ ਰਹਿਣ ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬਲਤੇਜ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ